हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब फ्रैक्शंस के प्रकार। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न। टाइप्स को क्या बोलते हैं? प्रकार। आज हम क्या सीखेंगे बच्चे? फ्रैक्शंस ऑफ, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब फ्रैक्शंस कितनी तरह के होते हैं, फ्रैक्शंस को कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले फ्रैक्शंस पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? जो पी बाय क्यू की फॉर्म में हो। फ्रैक्शन क्या होता है? जो पी बाय क्यू, यानी किसी भी नंबर्स को, होल नंबर्स को, जैसे 1 बाय 2, तो ये नंबर क्या होंगे? फ्रैक्शन नंबर। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि क्यू कभी भी होल नंबर के इक्वल नहीं होता, यानी 0 के इक्वल नहीं होता। क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। तो फ्रैक्शंस क्या होता है बच्चों? जो बाय की फॉर्म में हो, 1 बाय 2, 3 बाय 4, ये जो है ये क्या कहलाता है? फ्रैक्शन। जो ऊपर का पार्ट है, यानी जो हमने बाय से ऊपर लिखा, उसको क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर। और जो बाद में लिखा, इसको क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। हिंदी में बोलते हैं ऊपर वाले पार्ट को अंश और नीचे वाले भाग को हर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी ऊपर का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? न्यूमिनेटर। और जो नीचे का पार्ट है वो क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर। यानी हमारे पास फ्रैक्शंस नंबर लिखते हुए क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये क्या था बच्चों? हमारा फ्रैक्शन। अब आता है फ्रैक्शंस की टाइप। सबसे पहले आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन फर्स्ट नंबर पे हम किसको करते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है बच्चों? जिसमें न्यूमिनेटर जो है छोटा होता है किससे? डिनोमिनेटर। यानी देखो, जैसे मैंने लिख दिया 3 बाय 5। अब 3 5 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? प्रॉपर फ्रैक्शन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो जैसे 2 बाय 7, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें क्या बात याद रखनी है? कि न्यूमिनेटर लेस देन है किससे? डिनोमिनेटर से। यानी डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमिनेटर क्या है? छोटा है। नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? जिसमें न्यूमिनेटर क्या होता है? ग्रेटर देन होता है किससे? डिनोमिनेटर से। यानी अगर न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है। फॉर एग्जाम्पल 13 बाय 5। अब 13 क्या है? बड़ा। और 5 क्या है? छोटा। यानी न्यूमिनेटर क्या है हमारे पास? बड़ा। और डिनोमिनेटर क्या है? छोटा। तो ये क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मान लो मैंने लिख दिया 11 बाय 7, तो ये भी क्या है हमारा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बच्चों थर्ड टाइप क्या होती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या करा? प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर में क्या था? न्यूमिनेटर क्या था? छोटा था किससे? डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर में क्या था? न्यूमिनेटर ग्रेटर था किससे? डिनोमिनेटर से। लेकिन मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन होता है किस किस का? होल नंबर के साथ। क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे? जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2 और फिर क्या? 3 बाय 5। देखो 3 बाय 5 क्या है हमारे पास? प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो होल नंबर है 2 क्या है हमारे पास? होल नंबर। तो इसको बोलेंगे कैसे बच्चों? 2 कैरी 3 बाय 4 5 सॉरी। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 4 कैरी 7 बाय 9। और भी हो सकते हैं, जैसे मान लो 11 कैरी 2 बाय 6। तो कुछ भी जो ऐसे होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ नंबर पे यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन कौन से होते हैं बच्चों? जिसमें न्यूमिनेटर जो है उसकी वैल्यू कितनी हो? 1। जैसे 1 बाय 7, 1 बाय 4, 1 बाय 3। मतलब न्यूमिनेटर में क्या होना चाहिए? 1। न्यूमिनेटर पे अगर 1 है तो उस फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे? यूनिट फ्रैक्शन। क्लियर है बच्चों आपको? फिफ्थ नंबर में आता है बच्चों
लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं बच्चों, जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए। डिनोमिनेटर क्या हो, सेम। कैसे, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1/5, 3/5, 7/5, तो देखो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 5 5 5, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो उसको कौन सा फ्रैक्शन बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। 6 नंबर क्या आता है बच्चों, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो, सेम ना हो, नॉट सेम। जैसे 1/2, 7/11, 3/5, ये देखो इसमें डिनोमिनेटर कहीं सेम है नहीं है ना, तो ये क्या कहलाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन। जिसमें सेम हो वो क्या कहलाता है, लाइक फ्रैक्शन, और जिसमें अलग अलग हो, डिफरेंट हो डिनोमिनेटर, वो क्या कहलाता है, अनलाइक फ्रैक्शन। 7 नंबर पे आते हैं बच्चों हम डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो हमें फ्रैक्शंस नंबर दे दिए जाए, 8/10, 7/100, 5/1000, ऐसे आगे चलते जाए, जैसे यहाँ 10, यहाँ 100, यहाँ 1000, फिर 10,000, मतलब जो जीरो वाली वैल्यू आ जाए, 1 के साथ क्या आ जाए, जीरो आ जाए, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0.8, यहाँ 2 जीरो है तो ये क्या बन जाएगा, 0.07, यहाँ 3 है तो क्या बन जाएगा, 0.005। तो देखो पॉइंट लग रहा है ना, जीरो भी चेंज हो रहा है, फ्रैक्शन भी तो चेंज हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, जो स्टैंड फॉर सेम फ्रैक्शंस, मतलब जो सेम फ्रैक्शंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1/2 और इक्वल टू में लगा दिया 1/2, तो ये क्या है बच्चों, हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। लेकिन मैं अगर इसके इक्वल में लिख दूं 2/4, तो क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? यस है। क्यों, कैसे, देखो बच्चों 2 को मैंने काट दिया, 2 बन जा 2 और 2 2 4, क्या आ गया बच्चों हमारा 1/2 1/2 1/2 1/2, ऐसे क्या इक्वल फ्रैक्शन आ रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया 1/3, इक्वल टू में लिख दिया 3/9, 4/12, 5/15, क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? यस है। कैसे, देखो 1/3 इक्वल टू में 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, कितना आ गया 1/3, इसको करेंगे 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, तो क्या आ गया 1/3। नेक्स्ट करो 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, कितना आ गया 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3, इक्वल है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो बच्चों आज हमने क्या सीखी, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब फ्रैक्शंस को कितने तरीके से लिख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको सबको समझ में आ गई होंगी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेसन के साथ, गुड बाय।